गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फोर में अवर ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में सीखेंगे। तो पैरा वन में रीड करके आपको बता रही हूँ। सर जगदीश चंद्र बोस, ही वॉज एन इमिनियंट, इमिनियंट का मतलब होता है प्रख्यात, बोटेनिस्ट मतलब वनस्पति के वैज्ञानिक। इट वॉज ही हु डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूजिक। डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है साबित करना, फीलिंग्स का मतलब क्या होता है भावना, और इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित करना, अपने वनस्पति वैज्ञानिक ने अपनी चीज़ों के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा उनको सबको प्रभावित किया बाय म्यूजिक, म्यूजिक के द्वारा। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नोबल प्राइज इन फिजिक्स। He was awarded the prize for his work on the scattering of light. Scattering का मतलब होता है बिखरना, physics मतलब होता है भौतिक विज्ञान, और prestige मतलब प्रतिष्ठित, awarded मतलब सम्मानित। मेरे साथ साथ आपको लिखना है। थर्ड नंबर, मेघनाथ साहा, he put forward the famous ionization formula which enable the ऑस्ट्रोनोमर्स, खगोल ज्ञानी। हिंदी के वर्ड हैं थोड़े हार्ड हैं बट लिखते जाओ। आयनज मतलब आयनीकरण, इनेबल का मतलब होता है सक्षम, टू नाउ द टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर एक्सेप्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ स्टार। स्टार पे पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। इंटीरियर मतलब आंतरिक। शांति स्वरूप भटनागर, ही डिड रिसर्च, उन्होंने रिसर्च किया ऑन मेकिंग वैक्स बिनी ऑडोर लेस मतलब बिना गंध, रिफाइनिंग केरोसिन, केरोसिन में गंध आती है ना, एंड यूटिलनेस उपयोग करना, पेट्रोलियम वेस्ट इन ऑयल इंडस्ट्री, मतलब कैसे ये सब चीज़ों का उपज होती है, पेट्रोल का, केरोसिन का, ऑयल का, ये सब के बारे में उन्होंने रिसर्च किया। होमी जहांगीर भाभा, फाइव नंबर का देखो, होमी जहांगीर भाभा, द एटॉमिक रिएक्टर्स अप्सरा, शर्कश एंड जर्लिना वेयर बैलमिस बनाना, अंडर हिज एक्सपर्ट गाइडेंस ही वाज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदारी, फॉर द सेटिंग अप द कंट्रीज फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट एट तारापुर एंड इंस्टॉलिंग मतलब स्थापना करना, द फर्स्ट प्लूटोनियम प्लांट, प्लांट की स्थापना की। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मतलब ये साइंटिस्ट ने रिगार्ड किया। ही इज रिगार्ड मतलब सादर, एज अ फादर इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट। सिक्स नंबर, विक्रम ए साराभाई, एट प्रेजेंट इंडियन इज ऑल सेट टू टेक ए ग्रेट लीप, लीप का मतलब छलांग मारना, आगे तक पहुंचना, इन द फील्ड अपने फील्ड में उन्होंने छलांग मारी, ऑफ स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूर संचार, दूर तक जैसे चीज़ें नहीं होती, यहाँ से दूसरी जगह कॉल करना, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द वर्क्स एंड विजन ऑफ साइंटिस्ट लाइक विक्रम साराभाई। ही सेट अप द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला एट अहमदाबाद विच इज डेवोटेड मतलब भक्त टू द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज लौकिक किरण एंड आउटर, आउटर मतलब बाहरी स्पेस, इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट एंड द सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट आर फ्रूट्स ऑफ हिज हार्डवर्क। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, हार्डवर्क किया। राजा रमन, सेवन नंबर, ऑन मे 18th 1974 इंडियन है राजा रमन, ऑन द 18th 1974 इंडियन टेस्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस एट पोखरण इन राजस्थान। द इंटीरियर सो वाज मैनेज्ड बाय द एमिनियन, एमिनियन का मतलब होता है प्रख्यात साइंटिस्ट राजा रमन एंड हिज। अब आपको ऊपर के पेज में जाना है, पेज नंबर आपका पेज नंबर है 8। तो इसमें देखना है कॉलेजियस रमन्स मेन कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना, इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर
फिजन, फिजन मतलब विखंडन, अलग हो जाना। ही पुट फॉरवर्ड ए न्यू थ्योरी, थ्योरी में सिद्धांत, टू एक्सप्लेन हाउ हैवी न्यूक्ली स्प्लाइट, विभाजित करना, एंड जनरेट एनर्जेटिक मतलब शक्तिशाली न्यूक्लियर रेडिएशन। अब आपको 8 नंबर का देखना है, सूर्य सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हिज मेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वॉज द स्टडी ऑफ स्टार, स्टार थे अपने फील्ड में। ही वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस नोबल प्राइज फॉर वाट इज नाउन एन एज चंद्रशेखर लिमिट विज डिटरमाइंस, मीन्स निर्धारित करना, द मिनिमम मास ऑफ डाइंग, डाइंग मीन्स मास मीन्स द्रव्यमान, डाइंग मीन्स मर जाना, स्टार इनेबल इज टू सर्वाइव बना रहना, मतलब उनका नाम यहाँ पे बना रहा मरने के बाद भी। 9 नंबर का आपको देखता है, डॉक्टर एबुल पाकिर जैनुल जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम, ही प्लेड ए की रोल, उनकी मुख्य भूमिका क्या थी, इन मेकिंग अ द कंट्री सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर कर होना, एंड सेल्फ सफिशियंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, रक्षा करना अपनी, द पोखरण टेस्ट सेकेंड विच वॉज कंडक्ट अंडर हिज गाइडेंस ऑन 11 मई 1998, इनेबल, जो मैं हिंदी बोल रही हूँ वो आपको सबके साथ लिखते जाना है, इंडिया टू गेन, गेन का मतलब लाभ होना, एंट्री इनटू द न्यूक्लियर क्लब ऑफ द वर्ल्ड, ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 जुलाई 2002, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, इन्होंने मिसाइल प्रोग्राम भी निर्धारित किया था। अब हमको क्या करना है, एक्सरसाइज देखनी है, जगदीश चंद्र बोस, तो उसका आंसर होगा 3 नंबर का, सर सी वी रमन, इसका आंसर होगा 5 नंबर, द नोबल प्राइज इन फिजिक्स, मेघनाथ साहा, तो आयोनाइजेशन फॉर्मूला, होमी जहांगीर भाभा, इसका आंसर क्या होगा 6 नंबर, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। अब आपको उसके बाद देखना है विक्रम ए साराभाई, इसका आंसर क्या होगा 5 नंबर का, आंसर है 7 नंबर, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एट अहमदाबाद। राजा रमन का आंसर क्या होगा 4 नंबर, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस एट पोखरण इन राजस्थान। 7 नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आंसर क्या है 2 नंबर, द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट। अब आपको देखना है आपका चैप्टर 5, सम ब्रांचेस ऑफ साइंस, तो मैं इसके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आपको ओनली आंसर देखना है। सेस्मोलॉजी, तो उसका आंसर होगा 5 नंबर, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी का आंसर है 7 नंबर, द स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। फिर ओरिनोथोलॉजी 3 नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा 9 नंबर, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। फिर बोटेनी, बोटेनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, तो उसका आंसर होगा, बोटेनी का आंसर द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। फिर जूलॉजी, जीव विज्ञान, जूलॉजी का आंसर है 8 नंबर, द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। फिर 6 नंबर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का आंसर क्या है 3 नंबर, द स्टडी ऑफ प्लैनेट एंड स्टार। फिर 7 नंबर, मेट्रोनोलॉजी मतलब अंतरिक्ष विज्ञान, इस सब का मैं आपको हिंदी में पीडीएफ भेजने वाली हूँ। फिर 12 नंबर, इसका होगा द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। फिर जियोलॉजी, जियोलॉजी का आंसर क्या होगा 2 नंबर, द स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आंतरिक भाग। फिर एटोनॉमी, एटोनॉमी का आंसर क्या होगा, एटोनॉमी का आंसर है 10 नंबर का, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर इकोलॉजी, इकोलॉजी 10 नंबर का आंसर होगा 30 नंबर, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ लिविंग बॉडीज टू देयर सराउंडिंग। फिर ऑस्ट्रोनॉटिक्स, स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है पर लर्न हो जाएगी, तो इसका नंबर है 14, द स्टडी ऑफ स्पेस ट्रैवल। फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी का क्या होगा, बायोलॉजी का 15 नंबर, द स्टडी ऑफ फिजिकल्स लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर फिजिक्स, फिजिक्स का क्या होगा 13 का 4 नंबर, द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। फिर बैक्टेरियोलॉजी 14 नंबर का क्या होगा 16 नंबर, द स्टडी ऑफ बैक्टेरिया। फिर लिथोलॉजी, तो इसका आंसर होगा द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्ट ऑफ रॉक्स, रॉक्स का मतलब होता है चट्टान और कैरेक्टरिस्ट का मतलब होता है विशेषताएं। फिर
इनोटोमोलॉजी, इसका आंसर होगा द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो ये हमारा हुआ 5 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमको देखना है 6 नंबर का। 6 नंबर के चैप्टर में आपको देखना है सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ साइंस। तो हाइड्रोमीटर, इसका आंसर होगा 3 नंबर का। यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। हाइड्रोमीटर मतलब नमी मापक। हाइड्रोमीटर का आंसर होगा 6 नंबर। यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। थर्मामीटर, थर्मामीटर का आंसर होगा यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिर स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर का आंसर होगा यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। फिर क्रोनोमीटर, तो इसका आंसर होगा 9 नंबर का। यूज्ड ऑन शिप्स टू मेजर वेरी एक्यूरेट टाइम। फिर रेन गुज, रेन गुज मतलब वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेन फॉलिंग ऑन ए गिवन सरफेस। बैरोमीटर, बैरोमीटर का आंसर होगा यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर। फिर लैक्टोमीटर, 8 नंबर का आंसर होगा 5 नंबर। यूज फॉर मेजरिंग द प्यूरिटी, प्यूरिटी का मतलब होता है सफाई करना, ऑफ मिल्क। फिर गैल्वोनमीटर, गैल्वोमीटर का आंसर होगा यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट वर्तमान, करंट मतलब वर्तमान। एल्टीमीटर, तो 7 नंबर। यूज इन एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड। फिर क्या बचा लास्ट में, डायनेमो, डायनेमो का आंसर होगा 12 नंबर। यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मतलब यूज फॉर ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज। मतलब मैंने आपको 2 पार्ट्स में सिखाया है। चैप्टर 4, 5, 6 आपको ये सब की पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। ओके, बाय बाय बेटा।